नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप 2023 की, जो 31 जुलाई से 6 अगस्त के बीच में जर्मनी में होने जा रही है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होने जा रही ये चैम्पियनशिप इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ रिकर्व आर्चरी टीम के खिलाड़ियों को 30 कोटा प्लेस एलोकेट होंगे पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। यहाँ पर कोटा प्लेस 15 रिकर्व इंडिविजुअल मैन और 15 रिकर्व इंडिविजुअल वोमैन आर्चर्स के लिए एलोकेट होंगे। हालांकि यहां पर रिकर्व और कंपाउंड दोनों ही फॉर्मेट के मैच होंगे, पर रिकर्व आर्चरी के लिए पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए कोटा स्क्योर करने का एक बेहतरीन मौका है। अब बात करते हैं भारतीय खिलाड़ियों की कि कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं। सबसे पहले रिकर्व मैन टीम की बात करते हैं। यहाँ पर धीरज बॉम देवरा जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 26, मृणाल चौहान जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 34, तुषार प्रभाकर जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 238 है खेलते हुए नज़र आएंगे। अगर हम वोमेन आर्चर की बात करें, यहाँ पर भजन कौर जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 37, अंकिता भगत जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 94 और सिमरनजीत कौर जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 169 यहाँ पर आर्चरी करते हुए नज़र आएंगी। अगर हम कंपाउंड टीम की बात करते हैं तो यहाँ पर अभिषेक वर्मा जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 6, प्रथमेश जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 14 और ओजस प्रवीण जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 34 है यहाँ पर आर्चरी करते हुए नज़र आएंगे। वोमेन आर्चर की बात करते हैं कंपाउंड के अंदर तो ज्योति सुरेखा वेनम जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 6, प्रनीत कौर जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 23 और अदिति गोपीचंद स्वामी जिनकी वर्ल्ड रैंकिंग 30 है यहां पर आर्चरी करते हुए नज़र आएंगी। देखने वाली बात होगी भारत यहां पर पेरिस ओलंपिक के लिए कितना कोटा सिक्योर कर पाता है। इसके बाद वैसे इस साल में एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप और एशियन कॉन्टिनेंटल टूर में भी भारतीय खिलाड़ियों को कोटा हासिल करने का एक बार और मौका मिलेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।